नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन का अभिषेक कंप्लीट हो चुका होता है, केवल केवल उनके सर पर मुकुट धारण होना होता है, लेकिन तभी हमारे भीष्म पितामह एंट्री लेते हैं और सारे प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो जाती है। एक शब्द ठहरो और सारे रिएक्शन इधर शकुनी मामा के दिखाए, उधर दुर्योधन के दिखाए, सब चौपट, धृतराष्ट्र के दिखाए, इतना किया धराया था, सब चौपट, सब खत्म। वो घोड़ा बेचारा दो घंटा धूप में खड़ा था, वो भी बर्बाद चला गया। वो आदमी जो धार लगा रहा था वो भी बर्बाद चला गया। क्या बात कर भी खड़े तो वो भी बर्बाद चला गया, वो तो आगे भी खड़े रहेंगे। फिर दोस्तों लेके चलते हैं आपको एपिसोड नंबर 113 पार्ट 1 के लिए। चेहरा भाई देखने में मजा आ रहा है। बाहर आ गई थी भाई, क्या कर रहे हो पुत्र? पुत्र तुम वहां धृतराष्ट्र के चरणों में क्या कर रहे हो? राज में पुत्र ही लगेंगे। दुर्योधन की तरफ कह रहा हूं, दुर्योधन का राज्याभिषेक किसकी अनुमति से कर रहे हो तुम? अनुमति? हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले राजा क्या अनुमति लेकर निर्णय लेते हैं महाराज? कौन रही है गांधार राज? तुम्हार तो यही गर्दन उतार देंगे हम, अब यह जग बोले तो कुछ पुत्र देवव्रत भीष्म, मैं सदैव हस्तिनापुर के राजा के आगे चलता हूँ, ये मेरा प्रण है। धर्म के मार्ग पर मैं हस्तिनापुर के राजा के आगे चल उसका रक्षण करता हूँ, और अधर्म के मार्ग पर मैं उसके सामने खड़ा होकर उसका विरोध करता हूँ। इसीलिए मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। भीगी बिल्ली नहीं होती है किंतु महामहिम, आप राजा के किसी भी कार्य को किस प्रकार रोक सकते हैं? आपने तो प्रण लिया है कि आप हस्तिनापुर के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे। मेरा प्रण है हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य को एक करने का, अधर्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा देखूंगा, अवश्य अपने शस्त्र उठाऊंगा। अरे इसमें मेरा प्रण नहीं टूटता है, किसी में सामर्थ्य है। ओपन चैलेंज, मेरा बैटल कर सके, भाई भाई गर्दना होती है तो ये होती है। हाँ भाई है ना मजा। क्षमा करें महामहिम भीष्म, अंग्रेज कर लेंगे क्या? किंतु यदि मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर से आदेश दिया जाएगा तब मैं अवश्य अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करूं। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं अपने मित्र को विजय दिला पाऊंगा नहीं, किंतु उसके रक्षण हेतु मैं अपने प्राण भी न्योछावर करूं। धृतराष्ट्र, इस राज्याभिषेक से पूर्व अंगराज को आदेश दो, ये अपने शस्त्र उठाए। आज होगा, आज फैसला होगा। और राजकुमार दुर्योधन भी जान ले, जब अधर्म को रोकने का समय आता है देवव्रत भीष्म कितना भयानक युद्ध करता है। भाई साहब नहीं ताक्षी, नहीं, आपके अपमान का कोई आशय नहीं, तो भी बच्चे हैं। मैं अपने पुत्र को राज्य का भार देकर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा रखता हूं। कार्यकारी राजा,
और अपने पुत्र को कार्यकारी राजा बना सकते हो, किंतु अभिषेक नहीं कर सकते। अरे यार क्यों नहीं कर सकते हैं राज्य अभिषेक महामहिम? कोई तो कारण होगा। जब युवराज अभिषेक हो चुका है तो राज्य अभिषेक करने में क्या आपत्ति है? दुर्योधन के युवराज अभिषेक का कोई मूल्य नहीं है। हाथी में मुकुट लिए हुए तब से तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं है? अनुमति दी थी मेरे अभिषेक की, किंतु पहला युवराज अभिषेक युधिष्ठिर का हुआ था। वर्णावर्त में पांचों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है पितामह, जब पहला युवराज जीवित ही नहीं तो अवश्य मेरा युवराज होना स्वयं सिद्ध है। पहला युवराज अभी जीवित है। चकली मामू देखो, चकली मामू बैठ रहा है, बैठ रहा है जमीन पे। मेरी गांधार की टिकट। यथार्थ कह रहे हैं हिताशी, पांडु के पत्र जीवित हैं। पांचाल की पुत्री का स्वयंवर दुर्योधन तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इतनी कठिन प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता को जीतने वाला क्या कोई साधारण ब्राह्मण हो सकता है? वो अवश्य ही अर्जुन था। और यदि अर्जुन जीवित है तो सभी जीवित है, तो युधिष्ठिर भी जीवित है। अब मानते हो धृतराष्ट्र, दुर्योधन का राज्याभिषेक अधर्म है। पहनो वापस हेलमेट। दुर्योधन देख रहे पीछे। अब यदि युधिष्ठिर जीवित है तो अवश्य ही दुर्योधन का राज्य अभिषेक नहीं किया जा सकता। मेरा प्लान था, हम तो कहे आज सतनी मामा गए, यही दुर्योधन यही निपटा देते। हमने बीच में बोले, हमने धृतराष्ट्र के बीच में बोले, यही निपटा देंगे भैया। तुम बोलती हमारा बीच में बोल। पांडु पुत्र महामहिम, यदि पांडु पुत्र जीवित है तो उनका मुख दिखाइए। विदुर कांपिल्य गया है उन्हें लाने के लिए। हम किस प्रकार मान लें कि महामंत्री कांपिल्य गए हैं? महाराज की आज्ञा लेकर तो नहीं गए? उनकी ओर से संदेश के कोई नगाड़े भी नहीं सुने हमने महाराज। अवश्य लौटे शीघ्र। कितने दिन, कितने वर्ष महाराज? कुछ समय सीमा अवश्य होनी चाहिए। हाँ, समय की मर्यादा तो होनी ही चाहिए ताक्षी। दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह। यदि एक सप्ताह के पश्चात भी पांडु के पुत्र न लौटे या उनका कोई समाचार नहीं आया तो दुर्योधन का राज्याभिषेक होना अनिवार्य होगा ताक्षी। और उस समय आपको भी यह निर्णय स्वीकार करना होगा ताक्षी। कर लेना, ये तो मान लीजिए। भाई।
एक सप्ताह मत रुको, घंटे भर रुको, घंटे भर में सब हरिया दे रहे हैं हम। सप्ताह नहीं, एक प्रहर भी नहीं महाराज। युवराज युधिष्ठिर के स्वागत में शंखनाद आरंभ हो चुका है। पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं। पांडव आर बैक। धर्म हस्तिनापुर लौट रहा है। दुर्योधन की इस वक्त जो मनोदशा है पूछो मत। आ गए पांडव हस्तिनापुर वापस, एक बहुत ही लंबा और संघर्षमय सफर को निपटाते हुए, प्लस उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिनको लेकर के वो साथ में आ गए। जब गए थे तो केवल 5 भाई और 1 माता थे। वापसी में अगर देखा जाए तो परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें द्रौपदी भी है, हिडिंबा भी है और उनके पुत्र भी घटोत्कच भी हैं। लेकिन वो नगर के अंदर नहीं आएंगे, बट फिर भी परिवार तो पांडव का है। अगर देखा जाए तो परिवार तो पांडव का ही है। 12 वर्षों में बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत सी चीजें अर्जित की उन्होंने। अब देखना यह है कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होगा या नहीं, क्योंकि संन्यास लेने की तो इच्छा हो गई थी धृतराष्ट्र की। अब क्या होता है ये देखने के लिए चलेंगे हम अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से यहीं विदा दीजिए। राधे राधे।